ये संविधान ना होता तो कोई भी अभी आके मुझे मार देता। ये संविधान हर इंसान के जिंदगी की गारंटी है, ये संविधान आपकी संपत्ति की गारंटी है, ये संविधान हर महिला के सम्मान की गारंटी है, ये संविधान हर बच्चे के शिक्षा की गारंटी है, और ये संविधान भारत के आन बान और शान की गारंटी है। इसलिए संविधान जिंदाबाद। जिस इस देश का बहुजन समाज, इस देश का बहुजन समाज अपने वोट के ताकत को समझ लेगा, उस दिन चपरासी से लेकर और चीफ जस्टिस तक और सीएम पीएम वही बनेगा, क्योंकि 100 में 90 जनसंख्या हमारा है और हमें नहीं ठग सकता है कोई। हमें बाबा साहेब के रास्ते पर कलम के सहारे अपना संवैधानिक अधिकार लेना है, न ज्यादा न कम, बराबर का अधिकार चाहिए हमें। 2000 सालों से जाति और धर्म में बटा हुआ था, लोग टुकड़ों में बटे हुए थे। जब बाबा साहब का संविधान आया तो उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, आज हम सब बोलते हैं कि हम सिर्फ भारतीय हैं संविधान की वजह से। हमारे बाप दादा के समय में क्या था जातिवाद? मूछ नहीं रखने देंगे, खाट पर नहीं बैठने देंगे, चप्पल नहीं पहनने देंगे, तुमको बोलने नहीं देंगे, वहां तक ठीक था। अब जातिवाद शहरों में चला गया है, बड़े बड़े शहरों में चला गया है। अमेरिका इंग्लैंड में लोग जातिवाद लेके गए हैं, मुंबई दिल्ली कलकत्ता इन जैसे बड़े शहरों में जातिवाद है। अगर संविधान नहीं रहेगा तो हर छोटे को बड़ा कुचलने की कोशिश करेगा। बाबा साहब ने जिनको संविधान में उन जरूरतमंदों को, महिलाओं को अधिकार दिया है, वो अभी संविधान का फायदा नहीं उठा रहे हैं। संविधान का फायदा भी अभी वही उन्हीं को मिल रहा है जो इस देश में संपन्न लोग थे। तो मेरी गलती है और मैं मराठी नहीं जान बोल पाता हूँ, लेकिन मुझे पता है आप सबको हिंदी जरूर समझ में आती होगी। सब लोगों को हिंदी आती है, थैंक यू। जो हिंदी जानते हैं वो बड़ी बात नहीं है, जो रीजनल लैंग्वेज भी जानते हैं वो लोग हिंदी भी जानते हैं। तो आप जो दूसरी भाषा के लोग हैं, हम लोग हिंदी पट्टी में पैदा हुए तो सिर्फ हिंदी जानते हैं, लेकिन जो दूसरे राज्य के लोग हैं वो मराठी भी जानते हैं, कन्नड़ भी जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं, अंग्रेजी भी जानते हैं। तो आप लोग ज्यादा भाषाएं जानते हैं, उसकी भी बहुत बहुत बधाई। मैं महाराष्ट्र की धरती पर हूं तो सबसे पहले साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, साहू जी महाराज नहीं होते तो आरक्षण का कंसेप्ट नहीं आता और बाबा साहब मूक नायक ना शुरू करते। शिवाजी महाराज ना होते तो इस देश में प्रतिपालक क्या होता है, सत्य क्या होता है, अन्याय के खिलाफ कैसे लड़ा जाता है, वो कोई नहीं बताता। तो शिवाजी महाराज हो या साहू जी महाराज हो, और उसके बाद जो काम फूले साहब ने, ज्योतिबा फूले, माता सावित्री बाई फूले, संत गाडगे, और जो बाबा साहब ने किया जिसकी वजह से आज मेरे शरीर पर कपड़ा है, नहीं तो मैं कहीं गटर में होता। तो मैं कर्जदार हूं इस धरती का, पूरा देश कर्जदार है इस धरती का, और खासकर वो समाज जिसके साथ 2000 सालों तक मनुस्मृति लागू हुआ, आज बाबा साहब की बड़ी मूर्ति प्रतिमा सुप्रीम कोर्ट में लगी है दिल्ली में। तो आप सब लोग जो इस इतनी देर तक यहाँ बैठे हैं मंच पर, वो तमाम लोग, मैं सबका नाम नहीं जानता हूँ, उन सबको बहुत बहुत जय भीम और संविधान दिवस की आप सब लोगों को बधाई। यकीन मानिए, हमें हमारे माँ बाप ने पैदा किया, हमारे बाप दादाओं को भी उनके बाप दादाओं ने पैदा किया, लेकिन हमें सम्मान, हमें इंसान का दर्जा, और हमारे लिए किसी ने लड़ाई लड़ी तो वो फूले पेरियार, अंबेडकर, साहू जी महाराज और शिवाजी महाराज थे, और बाबा साहब ने अपने बच्चों की कुर्बानी दे दी। अगर वो ना होते तो आज हम ना होते। कभी कभी मैं सोचता हूं, बहुत लोग कहते हैं कि मैं बहुत महान हूं और बहुत मजबूती से बोलता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी हार मांस का बना हूं, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, लेकिन जब आप फूले पेरियार अंबेडकर की लाइनें पढ़ते हैं, उनके जीवन को देखते हैं, तो लगता है कि ये भी तो हमारे जैसे लोग थे,
ये भी तो चाहते तो अपना परिवार चलाते, बच्चे पालते। इन्होंने क्यों इस इंसानियत के लिए, मानवता के लिए अपने परिवारों की कुर्बानी दे दी? मैं इसीलिए कह रहा हूं कि दुनिया में अपना परिवार चलाना आसान काम नहीं है, बहुत मेहनत का काम है। अपने बच्चे पालना बहुत मेहनत का काम है, लेकिन इसके बाद अपना परिवार, अपना बच्चा पालते हुए जब आप किसी और के लिए कुछ काम करते हैं तो आप जीवन में महान बनते हैं। और वही रास्ता हमें बाबा साहब फूले पेरियार अम्बेडकर ने दिखाया है, संत गाडगे महाराज ने दिखाया है, और महाराष्ट्र में तो एक से एक लोग हैं। ऐसे ऐसे यहाँ महान महाराष्ट्र की धरती पर लोग जन्म लिए हैं जिनके मैं रात भर उनके बारे में चर्चा करूं तो समय कम पड़ जाएगा। लेकिन आजादी के पहले जो हुआ सो हुआ, राजाओं का दौर था, जो भी गलत सही हुआ सब होता रहा। मैं फिर कह रहा हूं, मैं भी उस मगध से आता हूं, उस पटना की धरती से आता हूं जहां सम्राट अशोक का राज होता था, तो भारत अखंड भारत था, और उस सम्राट अशोक की धरती से आया हूं, उस वैशाली का हूं जहां सिकंदर ने जब भारत पर हमला करने की कोशिश की, उसकी तीसरी पीढ़ी के बाद सम्राट अशोक ने उसी सिकंदर के देश में दवाइयां भिजवाई थी। तो हम लोग भी उस धरती के, भारत एक महान धरती है और भारत पर ऐसे हजारों विभूतियों ने जन्म लिया है, लेकिन सवाल है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने जातियां बनाई? क्यों बाबा साहब को मनुस्मृति जलाना पड़ा? क्यों बाबा साहब को पानी पीने के लिए आंदोलन चलाना पड़ा? तो ये सब आजादी के पहले की बात है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। गरे मुर्दे उखाड़ेंगे तो बहुत बदबू आएगी, सरांध भी आएगी। मैं आजादी के बाद की बात करूंगा। आजाद हुए देश को 75 साल हो गए और अब जाकर बाबा साहब की मूर्ति सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, भारत के पहले कानून मंत्री की। और बाबा साहब क्यों जरूरी है, मैं किसी का महिमा मंडन नहीं करता हूं। बाबा साहब बहुत पढ़े लिखे, अगर वो अपना परिवार चलाते तो कोई उनके बारे में बात नहीं करता। बाबा साहब इसलिए महान है कि इस देश की आधी आबादी, जिसके नाम पर आज राजनीति हो रही है, इस देश की महिलाएं एसपी डीएम कलेक्टर सीएम पीएम कब बनने लगी? जब संविधान आया, जब संविधान ने उनको अधिकार दिया। और आप विडंबना देखिए, जनरल कैटेगरी के अग्रवाल साहब आपके विधायक हैं, ये विधायक नहीं बन सकते थे अगर संविधान नहीं होता तो। संविधान नहीं होता तो राजा का बेटा राजा बनता था, बाबा साहब नहीं होते तो चाय वाले का बेटा प्रधानमंत्री नहीं बनता। इसलिए बाबा साहब का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान है। और यकीन मानिए, मैं जानता हूं कुछ मनुवादी लोग हैं जो संविधान से अंदर ही अंदर नफरत करते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, बाबा साहब ने जिनको संविधान में उन जरूरतमंदों को, महिलाओं को अधिकार दिया है, वो अभी संविधान का फायदा नहीं उठा रहे हैं। संविधान का फायदा भी अभी वही उन्हीं को मिल रहा है जो इस देश में संपन्न लोग थे, जिनको जाति का फायदा मिला, जिनको धर्म के नाम पर फायदा मिला, आज वही संविधान के नाम पर भी फायदा उठा रहे हैं। लेकिन मैं जानता हूं संविधान बहुत महीन पिसता है, लंबा समय लगेगा, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन सबको बराबर का मौका मिलेगा। इसलिए हम सबको मिलकर इस संविधान को बचाना है। किसी ने ठीक कहा है, अगर हम सब ने मिलकर संविधान बचाया तो हम सबको संविधान बचाएगा। क्यों संविधान जरूरी है? संविधान इसलिए जरूरी है कि फिर से कोई सत्ता में हिटलर जैसा आदमी न बैठ जाए। संविधान इसलिए जरूरी है कि इस देश में नदी नाला पहाड़ झरना पशु पक्षी महिला पुरुष सबको बराबर का अधिकार है और कोई किसी के साथ जुल्म और ज्यादती नहीं कर सकता है, चाहे वो कितना भी ताकतवर आदमी हो, कितना भी अमीर हो, कितना भी रसूखदार हो, सबके ऊपर एक कानून है और इसलिए संविधान सर्वश्रेष्ठ है। अगर संविधान नहीं रहेगा तो हर छोटे को बड़ा कुचलने की कोशिश करेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं, मजबूत देश की बात करते हैं, तो आप सोचिए सम्राट अशोक का अखंड भारत,
घनानंद का भारत, शिवाजी महाराज का भारत, साहू जी महाराज का भारत, मजबूत भारत कैसे बनेगा, कैसे बना? ये देश 2000 सालों से जाति और धर्म में बटा हुआ था, लोग टुकड़ों में बटे हुए थे। जब बाबा साहब का संविधान आया तो उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, आज हम सब बोलते हैं कि हम सिर्फ भारतीय हैं संविधान की वजह से। बाबा साहब ने क्या कहा है, कंस्टिट्यूएंट असेंबली में उनका भाषण है। आप सब महाराष्ट्र के लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, मैं आपको क्या कहूंगा, जो मैं प्रेरणा लेता हूं वो बातें कह रहा हूं। बाबा साहब ने कहा कि जब मेरा हित और देश का हित आएगा तो मैं अपना हित छोड़ दूंगा, देश का हित चुनूंगा, उनसे बड़ा राष्ट्रवादी कौन है। लेकिन आज कुछ तकलीफ वाली बातें भी बताऊंगा, मुझे तकलीफ होती है। कोई देश तब तक मजबूत देश नहीं बन सकता है जब तक उस देश का हर नागरिक मजबूत नहीं होगा। जब कोई देश तब तक मजबूत नहीं बन सकता है जब तक ज्ञान विज्ञान कॉलेज पढ़ाई लिखाई और दवाई नहीं होगा। आज चीन को देखिए, अमेरिका को देखिए, यूरोप देखिए, ये जितने भारत में आजकल नए राष्ट्रवादी पैदा हुए हैं सबका बच्चा विदेश पढ़ रहा है। जब सम्राट अशोक का भारत था, जब चंद्रगुप्त मौर्य का भारत था, तो हमारे पास तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटियां थी और दुनिया के लोग पढ़ने आते थे। वैसा भारत तब बनेगा जब ज्ञान विज्ञान पढ़ाई लिखाई का समय आएगा। और बाबा साहब ने इसीलिए कहा है कि संविधान विज्ञान को लेकर आगे बढ़ेगा, कर्मकांड को लेकर नहीं, अंधविश्वास को लेकर नहीं। इसलिए मैं इस देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि आप पढ़ाई लिखाई ज्ञान विज्ञान पर जोर दीजिए, नहीं तो आप पीछे रह जाइएगा। आप कल्पना कर सकते हैं, आप एक सुंदर महल में रहते हैं, आप बहुत अमीर हैं, लेकिन आपके आसपास गरीबी है, बीमारी है, नहीं रह सकते हैं आप। वो लोग मानसिक रूप से बीमार हैं जो इंसान इंसान में भेद करते हैं। आज क्या हो रहा है इस देश में, जातिवाद खत्म नहीं हुआ है। बाबा साहब के संघर्षों के बाद, इस संविधान के बाद जातिवाद खत्म नहीं हुआ है, जातिवाद और महीन हो गया है, और खतरनाक हो गया है, और जानलेवा हो गया है। हमारे बाप दादा के समय में क्या था जातिवाद, मूछ नहीं रखने देंगे, खाट पर नहीं बैठने देंगे, चप्पल नहीं पहनने देंगे, तुमको बोलने नहीं देंगे, वहां तक ठीक था। अब जातिवाद शहरों में चला गया है, बड़े बड़े शहरों में चला गया है, अमेरिका इंग्लैंड में लोग जातिवाद लेके गए हैं, मुंबई दिल्ली कलकत्ता इन जैसे बड़े शहरों में जातिवाद है, मीडिया में जातिवाद है, बिजनेस में जातिवाद है। आपके बच्चों को कॉलेज यूनिवर्सिटी में मारा जाता है रोहित बेमूला की तरह, डेल्टा मेघवाल की तरह, पायल तडवी की तरह। आपके बच्चों का नंबर काट लिया जाता है, इंटरव्यू में नंबर नहीं मिलता है, खेल में आपके साथ दोहरा व्यवहार होता है, हर जगह। आपको पता है जातिवाद आज किनके साथ हो रहा है? आप गरीब रहिए, आप ठेला चलाइए, सब्जी बेचिए, आप मजदूरी कीजिए, उनका टॉयलेट साफ कीजिए, हो सकता है वो आपसे अच्छा व्यवहार करे, हो सकता है वो आपको बराबर में खाना भी खिलाए। लेकिन जब आप एसपी बन जाइए, डीएम बन जाइए, कलेक्टर बन जाइए, सीएम बन जाइए, तब उनका जातिवाद जगता है और वो आपसे नफरत करना शुरू करते हैं। वो चाहते हैं, ये जो मनुवादी है ये बहुत चालाक है, बहुत शातिर है, ये लोग ये चाहते हैं कि आप मरे नहीं, आप लाचार और बेबस रहें, आप गरीब रहें, आपके शरीर पर कपड़ा ना हो, आप उनकी चाकरी करते रहें, उनकी गुलामी करें और उनके सामने सर ना उठाएं। इसलिए अब महीन जातिवाद से संघर्ष करना है। इस देश में जो भी बहुसंख्यक समाज का लोग है, जिसको बाबा साहब ने जातियों से निकालकर और एससी एसटी ओबीसी का दर्जा दिया, उनके बच्चों के साथ पूछिए, उनके अधिकारियों से पूछिए, अरे छोड़िए, उनका सीएम पीएम से पूछिए, उसका मुख्यमंत्री भी जेल जाता है। और इस देश में बड़ा बड़ा भ्रष्टाचारी 10-10 हजार करोड़ का घोटाला करके विदेश में मौज कर रहा है। और इस देश का एससी एसटी ओबीसी दलित पिछड़ा आदिवासी किसान खीरा चोरी के झूठ, खीरा समझते हैं, खीरा खीरा चोरी के झूठे आरोपों में जेल खट रहा है और वो हीरा चोरी करके मजे कर रहा है। इस सब पर बात करनी पड़ेगी। चोरी का तरीका बदल गया है,
आज इस देश की महामहिम राष्ट्रपति जो आदिवासी समाज से आती है, उन्होंने कहा है कि अब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जजों की भर्ती परीक्षा से होनी चाहिए। आप सब लोगों को दो काम करना है। हम लोग सब काम करते हैं, सड़के हम बनाते हैं, बिल्डिंगें हम बनाते हैं, हल हम चलाते हैं, अब तो आईएएस आईपीएस भी बनने लगे हैं, अब तो थोड़ा बहुत व्यापार भी करने लगे हैं, बस एक काम नहीं आता है, जीभ चलाना, बोलना। इसलिए बोलना शुरू कीजिए, लिखना शुरू कीजिए और सोचिए। बाबा साहब का संविधान न होता और ये सोशल मीडिया न होता, मोबाइल क्रांति है, इसको क्रांति कहिए। बहुत मुश्किल से विज्ञान जो भी हमें मिला है, विज्ञान की वजह से मिला है और ज्ञान की वजह से मिला है। बहुजन समाज के लोग 90% आबादी है हमारी। बिहार सरकार ने जाति जनगणना करा दिया है। इस देश में जल जंगल जमीन धरती संपत्ति का बंटवारा होगा और 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, इससे कम पर काम नहीं चलेगा। और हमें कुछ भी लड़ाई झगड़ा करके नहीं चाहिए, हथियार के दम पर नहीं चाहिए। हमारे जंगल के भाइयों को बहकाया गया, आदिवासियों को हथियार पकड़ाकर नक्सली बनाया गया और गुलछर्रे उड़ा रहे थे शहर में बैठे लोग। हमें बाबा साहब के रास्ते पर कलम के सहारे अपना संवैधानिक अधिकार लेना है, न ज्यादा न कम, बराबर का अधिकार चाहिए हमें, बराबर का सम्मान चाहिए। और इसके सुन लीजिए आप लोग, बाबा साहब की लाइन है, जिंदगी बड़ी नहीं शानदार होनी चाहिए। और इसलिए लिखना पढ़ना और बोलना शुरू कीजिए। सम्मान की लड़ाई है ये। दुनिया में कोई अमर होने नहीं आया है, कोई अमृत नहीं होता है, कोई 100 साल से ज्यादा नहीं जिएगा। सबसे ज्यादा बुद्धिस्ट जीते थे। इस जिंदगी में सम्मान नाम शोहरत जरूरी है और उसके लिए जरूरी है कि सम्मान से आप जीना सीखिए। अत्याचार न करेंगे न अत्याचार सहेंगे, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, आज संविधान दिवस है, उससे कम पर कोई समझौता नहीं। और उसका एक तरीका बाबा साहब ने बताया है। मैं फिर कह रहा हूं, 2000 सालों की गुलामी की बेरिया काटी है बाबा साहब ने। ये जो जातिवाद से हम पीड़ित थे, हमारे ऊपर जो अत्याचार हुआ धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, बाबा साहब का विजनरी थे, एक वोट का अधिकार देके गए हमारे। सत्ता वो ताला की चाबी है जो हर दरवाजे खोलेगा। जिस देश का बहुजन समाज, इस देश का बहुजन समाज अपने वोट के ताकत को समझ लेगा, उस दिन चपरासी से लेकर और चीफ जस्टिस तक और सीएमपीएम वही बनेगा, क्योंकि 100 में 90 जनसंख्या हमारा है और हमें नहीं ठग सकता है कोई। मान्यवर कांसिम राम साहब ने इसलिए कहा था कि आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम और वोट से लेंगे सीएमपीएम। ये जागरूकता बहुत जरूरी है। और सुनिए आप लोग, बोलना शुरू कीजिए, शब्द में शक्ति होती है। दुनिया में सबसे निकम्मा लोग बोल बोल कर सबसे ऊपर बैठा हुआ है और इस देश का मेहनत का आदमी भूखे सोने के लिए मजबूर है, उसके शरीर पर कपड़ा नहीं है, वो लाचार और बेबस है। हम लोग हैं असली राष्ट्रवादी, जो इस देश का हल जोतता है, किसान है, मजदूर है, जो बिल्डिंगें बनाता है, सड़कें बनाता है, फैक्ट्री चलाता है, वो मेहनत कश इस देश का सबसे बड़ा योद्धा है, सबसे महान है, जो लोगों का पेट पालता है। और हमें जरूरत है अपने बच्चों को, संत गाडगे ने क्या कहा, थाली नहीं है तो हाथ पर खाएंगे लेकिन अपने नस्लों को स्कूल और कॉलेज भेजेंगे। गरीबी उठाइए, कम कपड़े पहनिए, मजदूरी कीजिए, लेकिन हम अपने बच्चों को मजदूर नहीं बनाएंगे। मेरे माँ बाप बकरियां पालते हैं आज भी, अब शौक से पालते हैं। मैं मजदूर घर में पैदा हुआ, पढ़ा लिखा और तब जाकर आपके सामने बोल रहा हूं। ये बहुत बड़ी साजिश है। आपको मंदिर दे सकता है कोई, आपको रैली में लेकर खर्चा दे सकता है, लेकिन आपके बच्चों को फीस नहीं देगा। जो सरकार आपको पढ़ाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई और सेना को सैलरी न दे, वो सरकार मत चुनिए।
जिनको धर्म से फायदा है वो अपना मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, इबादत करे। हमें संविधान से फायदा है, पढ़ाई लिखाई से फायदा है, हम स्कूल कॉलेज की तरफ जाएंगे। यही बाबा साहब ने हमें सिखाया है और यकीन मानिए यही मुक्ति का मार्ग है। धर्म के नाम पर आपको ठगा जा रहा है, आपको धोखा दिया जा रहा है। आपकी आस्था कुछ भी हो सकती है, लेकिन आप सिख हो सकते हैं, हिंदू हो सकते हैं, बुद्धिस्ट हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं, मुसलमान हो सकते हैं, लेकिन आपका संवैधानिक अधिकार एससी एसटी ओबीसी के रूप में दर्ज है। मैं हिंदू हूं, मैं एससी एसटी ओबीसी हो सकता हूं। मैं सिख हूं, ओबीसी एससी हो सकता हूं। मैं क्रिश्चियन हूं तो शेड्यूल ट्राइब हो सकता हूं। मैं मुसलमान हूं तो ओबीसी और शेड्यूल ट्राइब हो सकता हूं। इस धर्म, इस संविधान में धर्म के नाम पर कोई अधिकार नहीं है, सारा अधिकार एससी एसटी ओबीसी के नाम पर है। और अब तो गरीब सवर्णों को भी 10% का कोटा है। इसलिए संविधान बचाना है, संविधान को और मजबूत करना है, तभी यह संविधान हमारे बच्चों को उसका अधिकार देगा। तो बोलिए जय संविधान, जय संविधान। इसलिए मैं कह रहा हूं बहुत लंबी लंबी बात सुनने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब को पढ़िए, बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलिए। और मैं फिर कह रहा हूं बाबा साहब नहीं आएंगे हमारे लिए लड़ने। हर घर से एक बाबा साहब को बनना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, और रास्ता वही है पढ़ाई लिखाई। हर घर से एक बाबा साहब चाहिए, हर घर से एक फूले चाहिए, घर घर से एक साहू महाराज चाहिए जो पढ़ाई लिखाई की बात करे, कलम की बात करे और बोलना सीखे। बाबा साहब ने क्या किया? कोई हथियार उठाया? कलम उठाई, ऐसा लिख के गए हैं कि मनुवादियों की छाती पर नमक लगता है। आज भी उनकी मूर्तियां तोड़ी जाती है। अरे कितना मूर्तियां तोड़ोगे? वो ऐसे महान शख्सियत है जिनको दुनिया याद कर रही है, और जैसे दुनिया पढ़ती लिखती जाएगी बाबा साहब का नाम और बड़ा होता जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके मन में कोई लोभ लालच नहीं था। उन्होंने किसी के साथ धोखा नहीं किया, किसी के साथ गैर बराबरी नहीं की। जो शोषित था, वंचित था, इस देश में सबसे ज्यादा जुल्म महिलाओं के साथ हुआ था, सबसे ज्यादा अधिकार महिलाओं को दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बाबा साहब के बताए रास्ते पर जो चलेगा, बाबा साहब का रास्ता जो है ना, अमीर बनने की गारंटी है। एकदम लिखवा लीजिए मुझसे, अब बाबा साहब के रास्ते पर 5 साल चलिए, अगर आप अमीर न बन गए तो मेरा नाम बदल देना। बाबा साहब के रास्ते पर चलोगे, क्या कहा फूले साहब ने, विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया, और व्यापार बिना तुम शूद्र कहलाए। पढ़ाई से शुरू हुई थी ना, तो जब हम पढ़ना लिखना शुरू करेंगे तो हमारा दिमाग काम करेगा, और दिमाग काम करेगा तो नौकरी भी करेंगे, व्यापार भी करेंगे और बिजनेस भी करेंगे। और जब ये संविधान रहेगा जब तक, और संविधान तब तक रहेगा जब तक हम बाबा साहब के विचारों को घर घर तक पहुंचाएंगे। और ये संविधान बहुत जरूरी है, ये संविधान ना होता तो कोई भी अभी आके मुझे मार देता। ये संविधान हर इंसान के जिंदगी की गारंटी है, ये संविधान आपकी संपत्ति की गारंटी है, ये संविधान हर महिला के सम्मान की गारंटी है, ये संविधान हर बच्चे के शिक्षा की गारंटी है, और ये संविधान भारत के आन बान और शान की गारंटी है। इसलिए संविधान जिंदाबाद। तो महाराष्ट्र की इस महान धरती पर आप सबका, आपने मुझे सुना, मेरे पास ज्यादा बोलने के लिए नहीं है, मैं रोज बोलता रहता हूं, मैं पत्रकार हूं मामूली सा, रोज की घटनाएं मैं आप लोगों को बताता हूं। लेकिन मैं यही बात कहूंगा कि मैं एकदम कंफर्म हूं इस बात से कि आपकी कोई भी आस्था हो, लेकिन आपका भविष्य पढ़ाई लिखाई और ये संविधान के सहारे बदलेगा। 5 साल आजमा के देखिए बाबा साहब का रास्ता, आपकी गरीबी दूर हो जाएगी, लाचारी दूर हो जाएगी, और आप सम्मान से जीना शुरू कर दीजिएगा, और किसी के भी आंख में आंख डालकर बात कीजिएगा। ये है बाबा साहब का संविधान और उनके कलम की ताकत। इसलिए लास्ट लाइन कहूंगा, हम सबको हमारे माँ बाप ने पैदा किया है, हम सब उनकी इज्जत करते हैं,
लेकिन बाबा साहेब हमारे वैचारिक बाप हैं और अगर वो ना होते तो हमें सम्मान ना मिलता। तो जय भीम, जय भारत, जय संविधान। शुक्रिया। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।